सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टर्म है ना, ये रिलेटिव टर्म है। मतलब अगर हम किसी वर्ड को कोई एक सर्टन पार्ट ऑफ स्पीच मानते हैं तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो हमेशा वही पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये रिलेटिव टर्म है और ये डिपेंड करती है वर्ड के यूज पर इन द सेंटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सर्टन वर्ड अगर हम उसको डिफरेंट वेज में यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड है, हमने दो अलग अलग सेंटेंस में डिफरेंट वेज में यूज किया तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि एक वर्ड के लिए पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो गया तो वही रहेगा, हम उसको अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से शुरुआत करना चाहूंगा। ही हैजंट सक्सीडेड yet, yet he is not discouraged. ठीक है, तो हमने दो सेंटेंस भी नहीं लिखे, एक ही सेंटेंस लिखा है और एक ही सेंटेंस में हमने एक वर्ड yet यहां यूज किया और एक यहां यूज किया। ये वाला yet जो एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, ये सेम वर्ड जो yet है यहां पर ये एडवर्ब है, ठीक है, और यहां पर ये कंजंक्शन। येट जो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, किन्हीं दो ऐसे इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जो कंट्रास्टिंग नेचर के हो। ठीक है, ही हैजंट सक्सीडेड येट, येट का मतलब टिल नाउ। ये जो एडवर्ब होता है ये टाइम को रेफर करता है और इसका मतलब होता है टिल नाउ। अच्छा, येट जो कंजंक्शन होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं बट का सिनोनिम होता है, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट शो करता है। He hasn't succeeded yet, अभी तक वो मतलब सफल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी निराश नहीं हुआ। तो मतलब जनरली होता है कि कोई आदमी बहुत समय तक एफर्ट्स करता रहे फिर भी सफल ना हो तो वो निराश हो जाता है, लेकिन इसके मामले में ऐसा नहीं है, यहाँ पे समथिंग अपोजिट है। ठीक है, तो येट जो कंजंक्शन हमने यूज किया इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए वो इसीलिए क्योंकि हम वो कॉन्ट्रास्ट शो करना चाहते हैं कि सफल नहीं होने के बावजूद भी पर्सन अभी डिस्करेज नहीं है, ठीक है, होपफुल है। तो ये जो वर्ड येट है ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब कंजंक्शन है। तो ये कई बार कंफ्यूजन करता है, क्या होता है कि हम अच्छा खासा सीखने समझने के बाद में भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर काफी ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं। तो मेरी आज की वीडियो में कोशिश है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर जिस तरीके के क्वेश्चंस हमें परेशान कर सकते हैं या जो पॉइंट्स हमें समझने चाहिए या हमें पहले से पता होने चाहिए क्वेश्चंस को डील करते टाइम, मैं वो सारे डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजर्स को लेकर हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम टर्म यूज करते हैं ये यूज होता है फंक्शन के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो वर्ड है, देखिए जैसा कि सब ऑलरेडी जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं शुरुआत के लिए और बता ही देता हूँ। जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी वगैरह, इनको हम ग्रुप्स में यूज करते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स, जैसे हम वर्ड कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस में मीनिंग की शुरुआत होती है वो वर्ड से होती है, मतलब रिटन में जो शुरुआत होती है, ठीक है, स्पोकन में तो बिना कहे भी हम मीनिंग कन्वे कर सकते हैं सर हिला के हाँ ना करके, ठीक है, लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो रिटन में क्या होता है कि जो मीनिंग की शुरुआत होती है वर्ड से होती है, लेटर से मीनिंग नहीं आता। ए बी सी डी का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग है कैट का, मीनिंग है बस का, मीनिंग है फ्रेंड का, मीनिंग है न्यूयॉर्क का, ठीक है। तो जो मीनिंग की शुरुआत होती है वर्ड से होती है। अच्छा, वर्ड्स जो होते हैं उनके जो फंक्शन होते हैं कि उसको हम पर्टिकुलर सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइडेड होते हैं। अब क्या होता है कि चूंकि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कहा ये वर्ड की फेस वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कहा जा रहा है, को कंजंक्शन कहा जा रहा है, नहीं, कंजंक्शन उस वर्ड को कहा जा रहा है जो दो स्टेटमेंट्स कनेक्ट करे या दो वर्ड्स कनेक्ट करे या दो फ्रेज कनेक्ट करे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं इस हेड को एडवर्ब कहा जा रहा है, एडवर्ब किसी ऐसे वर्ड को कहा जा रहा है जो किसी काम के होने के टाइम प्लेस पर्पज मैनर रीजन को रेफर करे। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैटेगराइजेशन है वर्ड्स का, ये उनकी फेस वैल्यू पे नहीं है, ये कैटेगराइजेशन है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस कि पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस में फंक्शन क्या करता है। तो हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना चाहिए। यही वजह होती है कि एक पर्टिकुलर वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से अलग अलग सेंटेंस में यूज होता है। अच्छा, जब हम कभी किसी बुक वगैरह से या किसी रूल नियम कानून से उससे रिलेटेड कोई रूल याद कर लेते हैं कि ये होगा सेंटेंस में तो ये होगा, फिर हमें कंफ्यूजन तब शुरू हो जाता है जब हम देखते हैं वो वर्ड तो लिखा है लेकिन वो जो हमने रूल याद किया था वो वहां पे काम नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वर्ड तो वो लिखा है लेकिन उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो वर्ड्स के मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक सिंगल वर्ड डिफरेंट वेज में यूज हो जाता है तो उसके उतने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, जितने उसके टाइप ऑफ यूजेस हो गए उतने टाइप ऑफ उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है। वो खैर सारे हम ये चैप्टर खत्म होने पर, डिस्कशन खत्म होने पर, मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपसे डिस्कस भी कर लूंगा जिससे क्लैरिटी अच्छी आ जाए।
फिलहाल में पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन होता है वर्ड्स का, ना कि उनकी फेस वैल्यू पे। इसी वजह से एक सिंगल वर्ड मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से कई बार यूज होता रहता है, ठीक है। और हालांकि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो एक सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अच्छा, अगर हम टेक्निकली बात करें तो कोई भी वर्ड ऐसा हो नहीं सकता जो केवल एक सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, लगभग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको लेकर देखो शुरुआत करते हैं। तो जो भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का जो फंक्शन होता है सेंटेंस में वो उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करता है। तो बजाय कि किसी वर्ड को सेंटेंस में पहचानने के हमें उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा नहीं पता लगाना चाहिए। मैं अगर बताऊं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशंस कंजंक्शंस इंटरजेक्शंस ये हो गए। उसके बाद में दो वर्ड्स और हैं, मतलब दो टाइप्स और होते हैं वर्ड्स के, हालांकि हम उनको प्रॉपर पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम एट ही कंसीडर करते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, लेकिन देयर आर सम टू अदर टाइप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिनको हम डिटरमिनर्स या पार्टिकल्स कहते हैं। तो वो डिटरमिनर पार्टिकल्स क्या हैं वो भी इसी वीडियो में खैर डिस्कस कर लेंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले यहां से, सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लोग चाहना तो अपना रजिस्टर पे बाद में फिर नोट्स बना लेना, ठीक है। नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस के, ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, या तो आप लोग पहले से जानते भी होंगे बेसिक टर्म्स हैं, और नहीं तो एक वीडियो भी हमने दे रखा है फंडामेंटल के कोर्स में इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हुए, पहला वीडियो वही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स ये वर्ड्स नाउन्स होते हैं। तो अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड ऐसा है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है तो वो नाउन ही होगा, ठीक है। हालांकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्स एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हम अभी उनको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर हम नाउन्स की बात करें तो नाउन का फंक्शन ये होता है कि ये सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होते हैं। वर्ब का सब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर कोई लिंकिंग वर्ब है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्स है, ये फंक्शन नाउन का होता है, ठीक है। तो जो भी वर्ड ये फंक्शन करता है वो आपको सेंटेंस में मिलेगा वो नाउन होगा। उसमें से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये वर्ब के भी होते हैं प्रीपोजिशन के भी होते हैं। तो अगर हमने किसी प्रीपोजिशन के बाद में कोई वर्ड लिख रखा है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो भी नाउन ही होगा, ठीक है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, वो केवल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तब तो फिर वो नाउन ही होगा। कॉम्प्लीमेंट तो एक बार में एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो हम देख लेंगे इसमें डिग्रीज होती है कि नहीं, अगर होती है तो वो एडजेक्टिव है, नहीं तो वो नाउन, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है नाउन्स में, नाउन्स हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो भी हमने डिस्कस किए, नंबर्स जेंडर्स केसेस पर्संस। तो अगर उस वर्ड में ये एट्रीब्यूट्स हैं, कोई भी वर्ड है उसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है मतलब उसका, जेंडर है, मस्कुलिन फेमिनिन का डिफरेंस होता है उसका, ठीक है, केसेस हैं उसमें अपोस्ट्रोफी के साथ में उसका, अगर पजेसिव केस बन जाता है, ठीक है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के एस्पेक्ट में वो उसको यूज किया जाता है लिसनर स्पीकर या टॉक्ड अबाउट को रेफर करने के लिए, तो इसका मतलब वो नाउन है, ठीक है। एक दो बातें और नाउन से रिलेटेड, नाउन्स जो होते हैं एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो इनको डिस्क्राइब कर देते हैं, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, डिटरमिनर्स डिटरमिन देम, डिटरमिनर्स जो होते हैं वो डिटरमिन करते हैं नाउन्स को, प्रोनाउंस स्टैंड फॉर देम, प्रोनाउंस उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि सेंटेंस में यूज किया गया वर्ड या कोई भी ऐसा वर्ड जिसको एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब कर लेंगे, डिटरमिनर्स डिटरमिन कर लेंगे, प्रोनाउंस उसकी जगह पे यूज हो जाएंगे, तो वो नाउन है। सो मतलब ये छोटी छोटी बातें जिनको हम ध्यान में रखकर जान सकते हैं और डेफिनेटली श्योर हो सकते हैं। देखिए कोई भी चीज जब हम सीखते हैं ना तो उसमें जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वही सीखने में मदद करता है। अगर हम किसी चीज को विदाउट कॉन्फिडेंस मान लें, हम तर्क करें कुतर्क करें बेवजह मुंह लड़ाएं किसी के साथ, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसका मतलब फिर हम सीख नहीं रहे, हम जबरदस्ती अपने को प्रूव कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनके क्लियर हो जाने से कॉन्फिडेंस आएगा, हमें पता रहेगा कि जो हम कह रहे हैं वो वास्तव में लॉजिकल है, वो हवाबाजी नहीं है। तो एडजेक्टिव्स हैं वो डिस्क्राइब कर देते हैं नाउन्स को, डिटरमिनर्स डिटरमिन कर देते हैं नाउन्स को, प्रोनाउंस जो होते हैं स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उनकी जगह पे यूज हो जाते हैं सेंटेंस में। तो अगर तुम्हें लगता है कोई ऐसा वर्ड है जिसको प्रोनाउंस रिप्लेस कर सकते हैं, डिटरमिनर्स डिटरमिन कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब कर सकते हैं,
तो इसका मतलब ये नाउन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान जाते हैं कि सेंटेंस में लिखा गया वर्ड नाउन होगा या नहीं होगा। फिर से एक बार समझ लो, सेंटेंस में यूज किए गए वर्ड जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। प्रोनाउन गिने चुने होते हैं, उनको पहचानना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में कोई वर्ड हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना रखा है तो वो नाउन ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्स एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, नाउन्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउन्स भी हो सकते हैं। एडजेक्टिव्स में डिग्रीज होती हैं, कंपेरेटिव सुपरलेटिव, तो वो उनसे हमें पता चल जाता है। नंबर जेंडर पर्सन केस, ये अगर एट्रीब्यूट कोई भी वर्ड शो कर रहा है तो इसका मतलब फिर वो नाउन होगा। अपोस्ट्रोफी उसके साथ यूज हो रही है पजेसिव केस में, तो इसका मतलब नाउन है, ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनिन का डिफरेंस शो करने के लिए उसके डिफरेंट फॉर्म्स अगर एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब ये नाउन है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव्स उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिटरमिनेंस डिटरमिन कर सकते हैं, प्रोनाउंस उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये वर्ड नाउन है। तो ये हो गया नाउन। उसके बाद में आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउंस की देखिए कहानी क्या है कि जो प्रोनाउन होते हैं वर्ड्स हमारे कैन बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन इज। ये जो वर्ड्स होते हैं ना प्रोनाउंस, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो जो फंक्शन नाउन का होता है वही फंक्शन इनका भी होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये भी सेंटेंस में बन सकते हैं, बट इनमें और नाउन में डिफरेंस क्या होता है? ये नाम नहीं होते। नाउन जो होता है वो नेम होता है किसी का, वो किसी की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। प्रोनाउंस जो होते हैं दीज आर नॉट नेम्स, ये नेम नहीं होते। जैसे कार जो है ना, दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग। इट जो है वो नाम नहीं है, ठीक है, वो नाम का रिप्लेसमेंट है। तो जो नाउंस होते हैं हम ये प्रोनाउंस को प्रोनाउंस होते हैं नाउंस को रिप्लेस करते हैं, तो नॉट अ नेम, बस ये डिफरेंस होता है कि फंक्शन सेम ही होते हैं नाउन प्रोनाउन के, बस ये नाम नहीं होता, वो नाम होता है, ये नाम का रिप्लेसमेंट होता है। दूसरा, एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स जो होते हैं, एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स जो होते हैं वो नाउंस को डिस्क्राइब करते हैं। प्रोनाउंस को जनरली, मैं मना नहीं कर रहा हमेशा के लिए, लेकिन जनरली डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस को डिस्क्राइब नहीं करते, ठीक है। हाँ, क्योंकि डिस्क्राइब ही करना होगा तो फिर हमें नाउन फॉर्म यूज करनी पड़ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूं। मैंने कहा राम is my friend, he is a good boy, ठीक है। तो हमने देखा कि he is a good boy, जो good adjective हमने लिखा ना boy के साथ लिखा, तो generally क्या होता है कि adjective अगर हमें साथ में लिखना है तो noun को ही लिखना पड़ता है। otherwise फिर हम adjective लिखना है pronoun के लिए तो फिर हम noun को drop भी करके ऐसे लिख सकते हैं he is good, तो ये प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, प्रोनाउंस को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बना लें, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बना के एडजेक्टिव को लिख दें तो वो प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। एक दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह कि जैसे ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हमने इस प्रोनाउन को रेफर करने के लिए यूज किया, तो हमने बाद में लिखकर यूज किया। बाद में लिखकर इसलिए यूज किया क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो प्रोनाउन, तब क्या करोगे? जैसे कि ही टोल्ड मी, ठीक है, ही टोल्ड मी स्पेशल समथिंग, ही टोल्ड मी स्पेशल समथिंग, ठीक है। अब देखिए ये स्पेशल जो हमने एडजेक्टिव यूज किया ये समथिंग के लिए यूज हो रहा है और समथिंग है ऑब्जेक्ट। अच्छा, नाम तो किसी का है नहीं तो ये प्रोनाउन है। अब हमने क्या किया, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यहां पर एडजेक्टिव यूज कर दिया, स्पेशल एडजेक्टिव होता है। अब ध्यान ये रखना कि अगर कभी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज करोगे ना तो हमेशा उसके बाद पोजीशन करना, वो हमेशा उसके बाद ही पोजीशन करना, पहले नहीं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर हमें लगता, अच्छा यहां पे अगर समथिंग की जगह कोई नाउन लिखा होता तो ये स्पेशल पहले ही रहता, बाद में भी लिख पाते लेकिन पहले भी रहता, लेकिन प्रोनाउन के साथ लिखोगे तो बाद में आएगा। तो एक तो ये होता है कि प्रोनाउन जो होता है एडजेक्टिव से उसका रिलेशन से हमें पता चल जाता है। जनरली एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, प्रोनाउंस को नहीं। डिटरमिनर्स तो करते ही नाउन को डिस्क्राइब है, ठीक है, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव कभी किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब भी करे तो वो उस प्रोनाउन के बाद में लिखकर यूज किया जाएगा। ऐसे क्यों होता है वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा स्पेशल समथिंग, तो ये गलत हो गया और हमें लिखना पड़ा समथिंग स्पेशल। उसी तरीके से हमने लिखा वी आर लुकिंग फॉर इंटेलिजेंट समवन, इंटेलिजेंट समवन, we are looking for,
तो हमने लिखा वी आर लुकिंग फॉर इंटेलिजेंट समवन, ठीक है। तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है जो समवन को डिस्क्राइब कर रहा है। समवन जो है वो लुकिंग फॉर वर्क का ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो नाउन तो है नहीं, है तो प्रोनाउन। अगर हम यहाँ पे पीपल लिख दें तो ये सही है, वी आर लुकिंग फॉर इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है। लेकिन ये चूंकि प्रोनाउन है तो ये एडजेक्टिव उसके बाद में पोजिशन किया जाएगा। तो ये प्रोनाउन का एट्रीब्यूट है जिससे हम जान जाते हैं कि वर्ड प्रोनाउन होगा या नहीं होगा, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन से पहले लिखे जाते हैं, बाद में भी लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोनाउन के हमेशा बाद में ही लिखे जाते हैं। तो फिर से समझ लो, प्रोनाउन कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सेंटेंस में, लेकिन वो नाम नहीं होता। एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स जनरली उसको डिस्क्राइब नहीं करते, हालांकि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब करें तो उसके बाद में लिखे जाते हैं। और फिलहाल में प्रोनाउंस मुझे लगता नहीं कभी दिक्कत करते हैं, क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें दिक्कत करते हैं वो होते हैं नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब्स और कंजंक्शंस। ये दिक्कत करते हैं, कंजंक्शन भी थोड़ा। मेनली जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ठीक है। तो प्रोनाउन तो गिने चुने होते हैं, वो ऐसे हमें याद रहते हैं कि वर्ड प्रोनाउन है कि नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एडजेक्टिव्स पे। अब देखिए, कोई वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है या नहीं है ये हमें पता करना है, तो हम कैसे पता करें? तो एक तो उसका फंक्शन, फंक्शन कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में उसे यूज किया जा सकता है, ठीक है, तो उसके चांस है कि वो एडजेक्टिव होगा। उसके अलावा डिस्क्राइब सम नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव नाउन्स प्रोनाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, अगर कोई वर्ड ऐसा है नाउन्स प्रोनाउन्स को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसका मतलब एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव्स हैव डिग्रीज, नॉट ऑल बट मोस्ट एडजेक्टिव्स हैव डिग्रीज, एडजेक्टिव्स में डिग्रीज होती हैं, भाई टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो अगर तुम्हें लगता है ये वर्ड डिफरेंट डिग्रीज एक्सप्रेस करता है, ठीक है, तो इसका मतलब डिग्रीज होती हैं उसमें, तो इसका मतलब एडजेक्टिव है। नाउन प्रोनाउन को अगर वो वर्ड डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है तो इसका मतलब एडजेक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट होता है अगर वो, तो इसका मतलब एडजेक्टिव है। उसके बाद में और एडजेक्टिव्स के कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? एडवर्ब्स डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स। अगर किसी वर्ड को एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव होगा, भाई नाउन को तो एडवर्ब डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो अगर किसी वर्ड को एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहे हैं, हालांकि एडवर्ब तो डिस्क्राइब वर्ब को भी कर सकते हैं और एडवर्ब को भी कर सकते हैं, नाउन प्रोनाउन को नहीं कर सकते, तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनको एडवर्ब डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इससे हम जान जाते हैं, ठीक है, कि ये वर्ड होगा कि नहीं होगा। छोटी बातें कि अगर कोई वर्ड सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो चांस है कि वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, और हम उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज कर पाएंगे अगर वो एडजेक्टिव होगा। वाइस वर्सा सीखना है, अगर कोई वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, अगर उसमें डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, कंपेरेटिव, पॉजिटिव, जो भी, ठीक है, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। अगर एडवर्ब्स उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, नो डिटरमिनर कैन डिस्क्राइब, लेकिन डिटरमिनर्स उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एडजेक्टिव्स जो हैं उन्हें डिटरमिनर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एडवर्ब्स कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनर्स केवल नाउन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो अगर तुम्हें लगता है कि एडवर्ब तो इस वर्ड को डिस्क्राइब कर लेगा, डिटरमिनर नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब फिर ये वर्ड एडजेक्टिव नहीं है, मतलब नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर नाउन होगा तो फिर डिटरमिनर तो डिस्क्राइब कर ही लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एडवर्ब भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स को लेकर एक छोटी सी बात आप लोग और भी ध्यान रखें कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जनरली, हमेशा तो नहीं लेकिन जनरली सेंटेंस में यूज किए गए वो वर्ड्स जो व्हाट काइंड ऑफ या विच वन को रिप्लाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी होते हैं, ऐसे भी वर्ड होते हैं जो व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई नहीं होता लेकिन फिर एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन मोस्टली का मतलब ना लार्ज नंबर ऐसे ही होता है कि जो वर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ को या विच को रिप्लाई करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, गुड, तो गुड एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आई नो द मैन सिटिंग इन द कार, ठीक है, विच मैन सिटिंग इन द कार, तो सिटिंग इन द कार एडजेक्टिव फ्रेज हो गई मैन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ऐसे वर्ड्स जो व्हाट काइंड ऑफ या विच को रिप्लाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एडवर्ब्स पे। एडवर्ब्स क्या करते हैं? एडवर्ब्स डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स
और अदर एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स एक तो वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कोई वर्ड ऐसा है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है या एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है या एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एडवर्ब भी होगा। ठीक है, तो उसके फंक्शन से पता चल जाता है। या अगर हम ये जानते हैं कि हाँ भाई इस वर्ड को यूज किया जाता है वर्ब्स एडजेक्टिव एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए, तो इसका मतलब ये एडवर्ब भी होगा। अच्छा, एडवर्ब्स जो होते हैं दीज हैव डिग्रीज, इनमें डिग्रीज होती हैं, सब में नहीं होती हैं, लेकिन एडवर्ब्स जो कंपेरेबल होते हैं, होती तो सारे एडजेक्टिव्स में भी नहीं है, वो एडजेक्टिव चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो एडजेक्टिव्स कंपेरेबल होते हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम डिग्रीज कहते हैं, वैसे एडवर्ब्स में भी होती हैं। जो एडवर्ब्स कंपेरेबल होते हैं उनकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। जैसे हमने लिखा इजिली, तो मोर इजिली उसकी कंपेरेटिव डिग्री हो गई, मोस्ट इजिली उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो एडवर्ब्स हैव डिग्रीज। ठीक है, कांट बिकम, कांट बिकम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब्स जो होते हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते। हालांकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वैसे बताएं नाउन के अलावा कोई नहीं बन सकता, नाउन प्रोनाउन के अलावा, लेकिन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। एडवर्ब्स कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन सकते, मतलब एडवर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब के बाद में लिख के नहीं यूज कर सकते, एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा ही लुक्स हैप्पी, तो ये लुक लिंकिंग वर्ब हो गई, इसके बाद हैप्पी हमने एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बना के लिख दिया। लेकिन अगर हम एडवर्ब लिखें ही लुक्स हैप्पीली, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब है ना, ये लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन पाएगा। तो हम इनको वैसे वर्से ऐसे सीख सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव और नाउन और प्रोनाउन नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा। ठीक है, तो एडवर्ब्स जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनमें एक डिफरेंस ये भी होता है कि इनको हम एडजेक्टिव्स के तरीके से मतलब नहीं यूज कर सकते लिंकिंग वर्ब के बाद में एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो ये डिफरेंस हो गया एडवर्ब्स में, और ये डिफरेंस हो गया आपका एडजेक्टिव्स में। उसके बाद में हमने फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच लिखा अपना वर्ब। ये वैसे होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, वर्ब। अच्छा, वर्ब्स में देखिए होता क्या है, इट इज एन एक्टिविटी। वर्ब जो होता है वर्ड वो एक्टिविटी होता है, डूइंग और हैपनिंग। एक्टिविटी का मतलब डूइंग या हैपनिंग भी हो सकता है, ठीक है, एंड समटाइम इवन स्टेट्स। वर्ब हम उन वर्ड्स को भी कहते हैं जो डूइंग हैपनिंग ना रेफर करके स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, मतलब वो वर्ड्स भी वर्ब ही कहे जाते हैं। तो जो वर्ब होता है वो एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि किसी एक्टिविटी को रेफर करता है। एक्टिविटी से मतलब होता है डूइंग या हैपनिंग, ठीक है, या तो कुछ करना या कुछ होना। इवन जो स्टेट्स होती हैं वो भी जो डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं उनको भी वर्ब कहा जाता है। तो अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस में डूइंग हैपनिंग या स्टेट को रेफर करने के लिए यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब वर्ब है, ठीक है, एक चीज। दूसरा, हैव डिफरेंट फॉर्म्स। वर्ब्स में डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो उस एक्शन की जिसको वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की गई है स्टेट्स एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे एक वर्ड राइट, तो राइट जो हमने वर्ड लिखा एक एक्टिविटी है, राइट जो है वो एक एक्टिविटी है, डूइंग है लिखना। अब जो लिखना है वो एक एक्शन है, उसके डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं, तो उन डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स यूज करेंगे, रोट, रिटन, राइटिंग, राइटिंग्स, राइट्स। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये वर्ब का एट्रीब्यूट होती हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें इस तरीके की फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब फिर वो वर्ड जो है हमारा वर्ब है। तो वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में एक्शन को रेफर करते हैं और जिनकी अपनी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, फॉर्म्स का मतलब यही होता है। तो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। दूसरा क्या होता है, एडवर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में लिख कर यूज कर सकते हैं। इवन वो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो भी एडवर्ब्स ही होती हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्ब कैन हेल्प अदर वर्ब्स, भाई जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वर्ब ही होता है, ठीक है, वर्ब के अंदर फिर उनकी सब कैटेगरीज बन जाती हैं। तो वो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी वर्ब्स हैं, वो दूसरी वर्ब्स को हेल्प करने का भी काम कर सकती हैं, ठीक है। तो वर्ब ये वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो डूइंग हैपनिंग को एक्सप्रेस करें वो वर्ब हैं, ऐसे वर्ड्स जिनमें डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हूँ वो वर्ब्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि दूसरी वर्ब को हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वो भी वर्ब्स हैं। उसके बाद में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब हो गया, आ जाता है अपना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस,
प्रिपोजिशंस जो होते हैं इनका जो फंक्शन होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इनके जो यूजर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इनका आइडेंटिफिकेशन तो लगभग कंफ्यूज नहीं करता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पे सीमित है, फाइनाइट है नंबर में। प्रिपोजिशंस क्या करते हैं, रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी वर्ड के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लिख रखा हो, ठीक है, और वो वर्ड वर्ब ना हो, तो ऑब्वियस बात है फिर वो प्रिपोजिशन नहीं होगा। फिर से समझिए क्या है, जो नाउन प्रोनाउंस होते हैं सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हमने कोई वर्ड वर्ब के बाद में नहीं किसी प्रिपोजिशन मतलब किसी दूसरे वर्ड के बाद में लिख रखा हो, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि वो प्रिपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि एक तो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनते हैं वर्ब्स के, दूसरा बनते हैं प्रिपोजिशंस के। तो प्रिपोजिशंस का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेट करना। अगर हमने किसी वर्ड के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लिख रखा है उसका ऑब्जेक्ट बना के, तो इसका मतलब वो वर्ड फिर हमारा प्रिपोजिशन ही होगा और वो नाउन या प्रोनाउन उस प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। दूसरा, डोंट शो इनफ्लेक्शन, भाई देखो इससे पहले जो हमने फाइव पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, दे एक्सप्रेस दे शो इनफ्लेक्शन, उनमें डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे इनमें फॉर्म्स नहीं होते हैं, मतलब इनमें नंबर जेंडर पर्सन केस डिग्री एट्रीब्यूट्स नहीं होते, तो ऐसे वर्ड्स हमारे प्रिपोजिशंस होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब हम प्रिपोजिशन के साथ में किसी नाउन या ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, मतलब जैसे हमने कोई प्रिपोजिशन यूज किया उसके बाद में हमने कोई उसका ऑब्जेक्ट लिखा नाउन या प्रोनाउन, तो फिर वो जो फ्रेज बनती है पूरी वो एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो इससे भी हम जान जाते हैं कि वर्ड प्रिपोजिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर सेवंथ आया, एक चीज यहां पे छोटा सा और ध्यान देना, ये जो छोटा सा वर्ड अभी हमने एडवर्ब एक डिस्कस किया था ना, जैसे प्रिपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट लिखा तो वो वर्ड एडवर्ब बन गया, ये फ्रेज एडवर्ब बन गई, ये एडजेक्टिव बन गई। तो हमने कहा कि जो एडजेक्टिव होते हैं, चाहे कोई वर्ड हो, चाहे कोई फ्रेज हो, चाहे कोई क्लॉज हो, ठीक है, तो वो जनरली व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई होते हैं। उसी तरीके से अगर कोई वर्ड, कोई फ्रेज या कोई क्लॉज व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एटसेट्रा का रिप्लाई हो तो वह एडवर्ब होगा। तो कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस में जो व्हेन का, वेयर का, व्हाई का, हाउ का रिप्लाई हो तो वह एडवर्ब ही होगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी जान जाते हैं कि कोई भी वर्ड, अब प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हमने लिखा तो ये जो फ्रेज बन गई, अगर ये फ्रेज व्हाट काइंड ऑफ या विच को रिप्लाई करने के लिए तो हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, अगर ये फ्रेज व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ को रिप्लाई करने के लिए तो हम इसे कहेंगे एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो प्रिपोजिशंस के साथ में जो हम नाउन प्रोनाउन लिखते हैं वो एक्चुअल में एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं। वो एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज कैसे होती है ये हमें पता चल पाता है तब जब हम ये जान पाएंगे सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है, मतलब हम उसको सेंटेंस में यूज क्यों कर रहे हैं। अगर हम उसको व्हाट काइंड ऑफ है विच को रिप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। अगर हम उसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ को रिप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो एडवर्ब फ्रेज है, ठीक। सेवंथ आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शंस का काम होता है कनेक्ट करना, कंजंक्शंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर कनेक्टर्स। हो सकता है जैसे हमने प्रीपोजिशन के बाद में नाउन प्रोनाउन लिखा है, कोई कंजंक्शन के बाद में भी नाउन प्रोनाउन लिखा हो, लेकिन जब हम प्रीपोजिशन के साथ में नाउन प्रोनाउन लिखते हैं तो वो एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज बनाता है, लेकिन जब हम कनेक्टर्स के साथ में ऐसा करते हैं तो नहीं होता। अगर हम कंजंक्शन के साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे तो इसका मतलब वो कोई एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज नहीं बना देगा, तो इसका मतलब वो उस नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ रहा होगा, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ ऐसा नहीं होता। प्रीपोजिशन के साथ में कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है तो एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज बना रहा होगा, ठीक है। तो एक तो इस डिफरेंस से हम जान जाते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड कंजंक्शन कहा जाए या प्रीपोजिशन कहा जाए। दूसरा, जैसे कि प्रिपोजिशंस में इन्फ्लेक्शन नहीं होता, इनमें भी इन्फ्लेक्शन नहीं होता, मतलब इनकी भी डिफरेंट फॉर्म्स नहीं होती हैं, ठीक है, इनकी भी डिफरेंट फॉर्म्स वर्ड नहीं होती, कंजंक्शंस कनेक्टर्स होते हैं और इनमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता। प्रिपोजिशन और कंजंक्शन कई बार आपस में कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उसमें काफी आसान सी बात यह होती है कि जो प्रिपोजिशन के बाद में नाउन प्रोनाउन लिखते हैं वो एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं, लेकिन कंजंक्शन के साथ में ऐसा नहीं होता। दूसरा, कंजंक्शन जो होते हैं कैन कनेक्ट वर्ड्स एंड कैन कनेक्ट इवन क्लॉजेस। अब जैसे अगर हम कोई कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद में तो हम क्लॉज भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो उसके बाद हम क्लॉज भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लॉज का मतलब पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
लेकिन प्रीपोजिशन के साथ में ऐसा नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद में क्लॉज नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो इससे हम पता चल जाता है कि कोई वर्ड प्रीपोजिशन होगा या कंजंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद में एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच आ गया इंटरजेक्शन। अब देखिए इंटरजेक्शन जो होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स कह लें, इमोशंस कह लें, ठीक है। तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, इनके थ्रू हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं होते, सेंटेंस के पार्ट ये वर्ड होते हैं जो हमने ऊपर तक डिस्कस कर लिए, ठीक है। हाँ, कनेक्टर्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, रिलेटिव वर्ड्स, वर्ब है, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब है। इंटरजेक्शंस केवल सेंटेंस में इसलिए यूज किए जाते हैं कि वो आपका इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट दो आर नॉट द पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर हम उनको हटा दें तब भी वो सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वो सही भी रहेगा, लेकिन वो इमोशन जो एक्सप्रेस हो रहा था वो गायब हो जाएगा, ठीक है। सो इंटरजेक्शन आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक चीज ये ध्यान देनी, इन्फ्लेक्शन वगैरह इनमें भी कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, कुछ सर्टेन पार्ट्स जैसे ओ, अलास, हुर्रे, कोई पर्सन है उसने हमारी मदद कर दी तो हमने उसको अपना फीलिंग ऑफ थैंक एक्सप्रेस कर दी, थैंक्स कह दिया, तो ये भी हमारा इंटरजेक्शन ही हो गया, ठीक है। गुड बाय, इवन गुड, गुड भी हमारा इंटरजेक्शन हो सकता है। अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हैं गुड, तो गुड एडजेक्टिव है, ठीक है। ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड मैन, तो गुड एडजेक्टिव है। अदरवाइज अगर हम किसी को मतलब अपलाउड कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया, गुड, ठीक है, तो ये गुड हमारा इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। तो थैंक्स है, यूरेका, यूरेका का मतलब कुछ गजब हमने पा लिया, कुछ एकदम से सरप्राइजिंग, ठीक है। तो यूरेका जो हमारे अंदर की खुशी है कि हमने कुछ अच्छा ढूंढ लिया, पा लिया, तो यूरेका है। हेलो है, ठीक है, प्लीज है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, ये सारे वर्ड्स हमारे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे इंटरजेक्शंस हो गए। तो इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, इनको हम सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में लिखकर यूज करते हैं, ठीक है, और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं होते, ये केवल हमारी फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गए वेल एस्टेब्लिश्ड एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमने कहा कि दो और भी हैं, उनको भी देखो एक बार समझ लेते हैं। नाइन्थ, डिटरमिनेंस। अब देखिए डिटरमिनेंस और एडजेक्टिव्स को कई बार हम साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि उसमें कोई बुराई भी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वी डोंट कमिट मिस्टेक्स, ठीक है। तो चाहे एडजेक्टिव का एडवर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिटरमिनर का हो, लेकिन बेसिकली डिटरमिनेंस में एडजेक्टिव्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये नाउन प्रोनाउन को डिटरमिन करते हैं, क्या डिटरमिन करते हैं, पोजीशन, 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 ठीक है, ऑनरशिप, पोजीशन का मतलब हो गया ऑनरशिप, ठीक है। डिटरमिनर्स का काम होता है मेनली क्वांटिटी, नंबर में या अमाउंट में, क्वांटिटी जैसे इन नंबर और इन अमाउंट। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं नंबर या अमाउंट, मतलब पोजीशन, पोजीशन वगैरह को एक्सप्रेस करने के या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया दिस, अब दिस वर्ड जो होता है ये प्रोनाउन भी होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैटेगराइजेशन है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन इन अ सेंटेंस। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते हैं, तो जिस सेंटेंस में उसका यूज किया गया उस पर्टिकुलर सेंटेंस से रिलेट करके हमें बताना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे कि हमने लिखा दिस इज माय कार, तो ये जो दिस है ना प्रोनाउन है, क्योंकि अगर ये डिटरमिनर होता तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। फिर अगर मैंने लिख दिया आई ओन दिस कार, ठीक है, तो ये जो दिस है ये डिटरमिनर है, क्योंकि अगर ये प्रोनाउन होता तो कार के साथ नहीं यूज होता भाई, अगर ये प्रोनाउन होता तो कार नाउन के साथ नहीं यूज होता, तो यहां पे हम इसको डिटरमिन कहेंगे, यहां पे हम इसको प्रोनाउन कहेंगे, ठीक।
तो ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं, ये पोजिशन, जैसे दिस दैट दिस दोज, ये पोजिशन को रेफर करने वाले डिटर्मिनर्स होते हैं. पोजेशंस, माई, ठीक है, हिज, इट्स, तो ये डिटर्मिनर्स हैं. अब जैसे हमने लिखा माय कार, तो ये नाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि नाउन होता तो ये प्रोनाउन, मतलब अगर ये प्रोनाउन होता माय तो कार नाउन के साथ नहीं यूज होता. तो अगर हम माय को कार नाउन के साथ लिख कर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब डिटर्मिनर है, पजेशन शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है. तो जो माय है ना, ये रिप्लेसमेंट नहीं है किसी वर्ड का, ये डिस्क्रिप्शन है इस कार का, ठीक है. तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनर. पजेशन शो करते हैं, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, जैसे हमने लिख दिया मच, लिटिल, ठीक है, मैनी, सेवरल. अब जो एन आर्टिकल होते हैं वो भी शो करते हैं क्वालिटी, वन की वीकर फॉर्म होते हैं एन भी, तो ये भी हमारे डिटर्मिनर हो गए, ठीक है. तो डिटर्मिनर्स ये वर्ड्स होते हैं जो पोजिशन, पजेशन, क्वांटिटी, नंबर, अमाउंट को डिस्क्राइब करें नाउंस के. नाउंस के ध्यान देना, प्रोनाउंस के नहीं, ठीक है. अच्छा, नो इन्फ्लेक्शन. अब एडजेक्टिव से अगर हम इनको कंपेयर करें तो एक तो डिफरेंस हमें यही मिल गया कि एडजेक्टिव्स में डिग्रीज होती हैं, ठीक है, कंपेरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, इनमें नहीं होती हैं. अच्छा, मच लिटिल को अगर हम कभी डिस्कस, मतलब डिस्क्राइब करें डिग्रीज में, तो फिर उनको एडजेक्टिव कहना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिटर्मिनर है, ठीक है. सेवरल में डिग्रीज नहीं होती है तो वो केवल डिटर्मिनर है. एन में डिग्रीज नहीं होती है तो वो भी केवल डिटर्मिनर है, ठीक है. उसके बाद में एडवर्ब्स कांट डिस्क्राइब देम, एडवर्ब्स कांट डिस्क्राइब. एडजेक्टिव एडवर्ब में जैसे हमने पता है कि एडजेक्टिव्स होते हैं एडवर्ब्स उन्हें डिस्क्राइब कर देते हैं, एडजेक्टिव्स को एडवर्ब्स डिस्क्राइब कर देते हैं. लेकिन अगर कोई वर्ड डिटर्मिनर है तो एडवर्ब्स तो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे. एडवर्ब्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं, डिटर्मिनर्स को नहीं, ठीक है. दूसरा, कांट स्टैंड विदाउट नाउंस. एडजेक्टिव्स को तो हम बिना नाउन के भी यूज कर सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि दिस कार इज न्यू, और हमने लिख दिया दिस कार इज माई, तो ये सेंटेंस सही है, गलत है, क्योंकि जो माई डिटर्मिनर है ये यहां पे कॉम्प्लीमेंट बन नहीं पाएगा, बिना नाउन के यूज नहीं होगा, गलत हो गया, ठीक है. अच्छा, न्यू जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, वो कॉम्प्लीमेंट बन गया. इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज माई कार, तो माई डिटर्मिनर है, कार नाउन के साथ आ गया. हालांकि उसको भी सकते हैं दिस इज अ न्यू कार, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं, वो ऐसे भी सही है. तो अब देखो, ये जो न्यू है एडजेक्टिव है, माई है डिटर्मिनर, तो एक तो डिफरेंस यही हो गया कि एडजेक्टिव को हम नाउन के बगैर भी एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ ही लिखने पड़ते हैं, तो ये भी इनमें डिफरेंस हो गया. तो डिटर्मिनर जो होते हैं ये इन्फ्लेक्शन नहीं शो करते, इनमें डिग्रीज, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये कुछ नहीं होता, ठीक है. एडवर्ब्स इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये बिना नाउन्स के यूज नहीं हो सकते, एडजेक्टिव्स बिना नाउन के यूज हो सकते हैं. उसके बाद में जनरली जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं वो एट द बिगनिंग ऑफ अ नाउन फ्रेजेस होते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ अ नाउन फ्रेज. कोई भी नाउन फ्रेज है तो डिटर्मिनर्स हमेशा उसकी बिगनिंग में यूज किए जाते हैं, शुरुआत में, ठीक है, बीच में नहीं यूज होते. जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ बॉय, तो ये बॉय डिटर्मिनर हो गया, ठीक है, बॉय नाउन हो गया. तो ए डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव तो है नहीं, तो ये नाउन है, ये बॉय है, ये दो वर्ड मिलके एक मतलब फ्रेज बन, नाउन फ्रेज, क्योंकि इस फ्रेज का मेन वर्ड जो है वो नाउन है, तो हम इसे नाउन फ्रेज कहेंगे. दूसरा बी, हमने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, जैसे हमने लिख दिया. तो ये देखो, बॉय नाउन हो गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया, और ये एन इसका डिटर्मिनर हो गया. तो ये जो नाउन फ्रेज है ना पूरी, डिटर्मिनर इसके शुरुआत में लिखा गया. अब अगर मान लो हम यहां पर एक एडवर्ब भी यूज कर लें उस एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने के लिए, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये पूरी नाउन फ्रेज हो गई, और ये हो गया डिटर्मिनर. तो डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनकी पोजीशन यूजली, हालांकि कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, वो एप्लीकेशंस में सीखेंगे लाइव लेक्चर्स में, ठीक है. कुछ सिचुएशन जनरली जो डिटर्मिनर्स हमारे होते हैं वो नाउन फ्रेजेस के शुरुआत में लिखे जाते हैं, ठीक है. अगर उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एडजेक्टिव यूज करें, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एडवर्ब यूज करें, या उस एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एडवर्ब यूज कर लें, ठीक है, तो डिटर्मिनर्स खिसकते जाएंगे, अपनी पोजीशन चेंज करते जाएंगे. तो डिटर्मिनर्स इस तरीके से, ये जो एट्रीब्यूट्स कोई भी वर्ड शो कर रहा है तो इसका मतलब फिर वो डिटर्मिनर है, ठीक है, ये हो गया. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आया पार्टिकल्स.
अब देखो यहाँ पे वर्ड्स के जो टाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने उनके बहुत से एट्रीब्यूट्स, बहुत से उनके फंक्शन डिस्कस किया। अब मान लो इसके बावजूद कोई ऐसा वर्ड तुम्हें मिल जाए कि जो उनमें से कोई एट्रीब्यूट शेयर ना करता हो, ठीक है, या उनमें से कोई भी फंक्शन ना हो उसका, जो इतने फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं वर्ब के, नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स के, इंटरजेक्शन के, अगर हमें कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जो इनमें से किसी भी टाइप का ना हो, इनमें से कोई भी फंक्शन ना करता हो, ठीक है, मिलेंगे कुछ वर्ड, अभी मैं ही लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे? ठीक है, तो हम उसे कहेंगे पार्टिकल, मतलब एनीथिंग विच इज रिमेनिंग। अब जो भी बच गया इन सबको डिस्कस करने समझने के बाद में, वो पार्टिकल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स हमारी लैंग्वेज में यूज हो रहे वो वर्ड्स होते हैं जो सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज नहीं किए जा सकते, उनका कोई एस्टेब्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, ठीक है, उनका अपना कोई यूज जब हम करते हैं किसी सेंटेंस में अपना बेसिक, उनका कोई लिटरल मीनिंग भी नहीं होता है। जैसे हर एक शब्द का अपना एक शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, जैसे अगर हिंदी में हम रिलेट कर लें तो गो का मतलब जाना हो गया, ठीक है, कम का मतलब आना हो गया, गुड का मतलब अच्छा हो गया, ठीक है, विदाउट का मतलब के बगैर हो गया, तो वर्ड्स के अपने लिटरल मीनिंग्स होते हैं, पार्टिकल्स का वो भी नहीं होता। कैसे ऐसा होता होगा देखो एक एग्जाम्पल से समझ ले। तो सबसे पहले समझा, नो लिटरल मीनिंग ऑलमोस्ट, इनका अपना लगभग कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, ठीक है, इन्फ्लेक्शन वगैरह इनमें भी कोई नहीं होता, जैसे सबसे कॉमन जो पार्टिकल्स यूज होते हैं, सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स यूज होते हैं इंग्लिश में, वो फ्रेजल वर्ब्स में यूज होते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव टेकन डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चीक्स, थर्ड द मैन फेल डाउन। अब इन सेंटेंसेस में देखना, ये जो डाउन वर्ड है ना, ये वेयर का रिप्लाई है। जैसे द मैन फेल, वेयर, वेयर डिड ही फेल, कहाँ गिर गया, तो ये जो फेल डाउन है इसमें डाउन एडवर्ब है, वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब प्लेस हो गया। फिर हमने लगा द टीयर्स रोल्ड, वेयर, वेयर डिड द रोल, डाउन इज चीक्स, तो डाउन इज चीक्स ये भी वेयर का रिप्लाई है। अब चूंकि ये सिंगल वर्ड तो है नहीं कि हम इसे एडवर्ब कहते हैं, ये पूरी फ्रेज एडवर्ब है, ठीक है, ये दो तीन वर्ड जो भी है पूरे मिलकर एडवर्ब बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंगल वर्ड एडवर्ब था, तो ये पूरी फ्रेज एडवर्ब है। इसमें ये जो डाउन है ये प्रिपोजिशन है, और हिज चीक्स जो नाउन है उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये डाउन जो है हमारा प्रिपोजिशन हो गया, क्योंकि अगर ये प्रिपोजिशन नहीं होता तो हिज चीक्स इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हमने यहाँ पे लिखा टेकन डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस डाउन को हम क्या कहें, ये डाउन तो एडवर्ब हो गया, ये डाउन प्रिपोजिशन हो गया, अब कायदे से हम इसको ये कह सकते हैं कि प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये प्रिपोजिशन है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज समझना, ऐसा कैसे हो जाएगा, अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हम कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो एडजेक्टिव एडवर्ब बनता है, ठीक है। अब जैसे ये डाउन इज चीक्स हमने लिखा, ये एडवर्ब फ्रेज है, वेयर का रिप्लाई, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्या ये वेयर का रिप्लाई है, डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये मतलब एडवर्ब तो नहीं है, ना ये वेयर का रिप्लाई है, ना व्हेन का रिप्लाई है, ना हाउ का रिप्लाई है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है टेकन। तो ये जो डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा ना हमने, ये कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, जो हम कहते हैं कि डाउन प्रीपोजिशन है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसका ऑब्जेक्ट है, एक चीज। दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पे ये जो चीक्स हमने लिखा है ना, ये ऑब्जेक्ट इज डाउन प्रीपोजिशन का, ना कि रोल्ड वर्ब का, तो उस तरीके से अगर ध्यान से देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डाउन का ऑब्जेक्ट भी नहीं है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डाउन का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक्चुअल में इस पूरे टेकन डाउन का ऑब्जेक्ट है। तो ये फ्रेजल वर्ब तैयार हो गई, ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब तैयार हो गई। अभी जो डाउन है ना, तो ये प्रीपोजिशन है ना ये एडवर्ब है, हम इसको कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते यहाँ पे क्या है। तो जनरली जो फ्रेजल वर्ब्स में हम प्रीपोजिशन या डिटरमिन, मतलब जो फ्रेजल वर्ब्स हम बनाते हैं, उन फ्रेजल वर्ब्स में जो हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब्स यूज कर लेते हैं, तो वो प्रीपोजिशन या एडवर्ब्स अपना लिटरल मीनिंग खो देते हैं, और वो प्रीपोजिशन का
जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिलेट करना किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से, नाउन प्रोनाउन को वो भी नहीं करते, तो हम उनको पार्टिकल्स कहते हैं। तो जो प्रीपोजिशंस या एडवर्ब्स फ्रेजल वर्ब्स में यूज की जाती हैं, वो जो वेल एस्टेब्लिश हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनमें से किसी का मतलब अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, तो हम उन्हें कहते हैं पार्टिकल्स। तो ये जो डाउन है ना, इसको हम कहेंगे पार्टिकल। तो जब हम कोई फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, मतलब हम वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब लिखकर उसका एक नया मीनिंग तैयार करने के लिए बना लेते हैं फ्रेजल वर्ब, तो उस फ्रेजल वर्ब में यूज हो रहे जो हमारे प्रीपोजिशंस या एडवर्ब्स होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी एट्रीब्यूट शेयर नहीं कर रहे होते हैं बाकी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच का। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, या मैं ऐसे कुछ पार्टिकल्स बता देता हूँ। जैसे हम हैड बेटर एक मॉडल फ्रेज यूज करते हैं, हैड बेटर में जो बेटर होता है इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये भी पार्टिकल है। हैड बेटर का मतलब होता है सजेशन, किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस है सजेशन देने के लिए यूज किया जाता है। यू हैड बेटर वेंट देयर, यू हैड बेटर स्टे देयर, तो वो जो स्टे है वो मेन वर्ब है, हैड बेटर मॉडल है, इसमें जो बेटर है ना ये पार्टिकल है, क्योंकि इसका अपना कोई लिटरल मीनिंग वगैरह नहीं है। वैसे तो हमें पता है कि बेटर जो होता है ये गुड एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरिजन के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहां तो कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बेटर भी हमारा पार्टिकल ही होता है जो हैड बेटर में हम यूज करते हैं। ऑट टू जो हमारा मॉडल होता है उसमें जो टू होता है ये भी हमारा वही होता है, ठीक है। ये जो टू हमने लिखा है ना ये भी पार्टिकल है। उसके बाद में कुछ एक दो वर्ड्स और आप ढूंढोगे, जो ढूंढ लोगे, जनरली जो एल्स हमारा एडवर्ब होता है जब हम इसको यूज करते हैं नाउन से प्रोनाउंस के साथ में, एनीबडी एल्स, समथिंग एल्स, तो ये भी पार्टिकल की कैटेगरी का ही होता है। अच्छा, जो डिटर्मिनर्स हम पढ़ते हैं ना उसमें हम ए एन द आर्टिकल पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी पार्टिकल्स ही होते हैं, ए एन द, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट लिटरल मीनिंग उनके भी बहुत बार नहीं होते, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे भी बच जाते हैं जो इनमें से किसी टाइप के नहीं होते, जो हमने 9 types डिस्कस किए हैं, तो फिर हम उनको पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। नेवर, गो, अगेंस्ट योर विल, इफ यू विल। अब देखो इस सेंटेंस में ये जो 3 words हमने यूज किए ना विल, जल्दी से इनके पार्ट्स से बताओ, सीक्वेंस में लिख देना। तुम्हें लगता है पहले वाला नाउन है तो नाउन, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब है तो नाउन प्रोनाउन वर्ब, ऐसे सीक्वेंस में लिख दो, ठीक है। तो विल ये जो मैंने इस सेंटेंस में 3 बार यूज किया है, इतनी देर में जो भी सुना समझा है देखो उससे क्या पकड़ में है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कमेंट में लिखो, तब तक मैं कमेंट्स लिखता हूं। सर वो वाला वीडियो वैसे कितने मिनट था? हाँ एक घंटे का सही है। वर्ब नाउन चलो ठीक है, घर बढ़िया, तुम लोग आंसर कर रहे हो, बहुत सही है। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन जो हमारी क्लास आने वाली है ना उसको लेकर मैं अभी थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूंगा, बाकी कल दोपहर में मोस्ट प्रोबेबली मैं फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दूंगा, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन कल शाम तक आ ही जाएगा, ठीक है, प्ले स्टोर पर। देखो इसमें समझना, ये जो है ना यहाँ पे ये वर्ब है गो, मेन वर्ब है, ठीक है। ये जो नेवर है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले यूज किया जाते हैं, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो उसको हेल्प कर रहा है प्रायोरिटी शो करने के लिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब है।
हालांकि हेल्पिंग और का टाइप देखें तो मॉडल्स, ठीक है, ये हेल्पिंग और हो गया। अब आ जाते हैं योर विल। ये जो अगेंस्ट है ये प्रिपोजिशन है, ये इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वर्ड योर तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, वो डिटरमिनर है। तो अगर ये विल वर्ड इस अगेंस्ट प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, तो ये नाउन हो गया, ठीक है। दूसरा, ये जो डिटरमिनर हमने यूज किया योर डिस्क्राइब करने के लिए, अब हमें पता है कि डिटरमिनर्स जो होते हैं जैसे कि इसके सारे डिटरमिनर होते हैं माई योर हिज हर वगैरह, ठीक है, तो हमें पता है कि डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन को डिटरमिन करते हैं प्रोनाउन को नहीं, तो ये इसका मतलब नाउन ही होगा, ठीक है। तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, डिटरमिनर उसके साथ है, तो ऑब्वियस बात है नाउन ही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इफ यू विल। इस विल को या तो हम हेल्पिंग वर्ब माने या मेन वर्ब माने, ठीक है, क्योंकि नाउन तो हो नहीं सकता। ये भाई यू जो हमने लिख रखा है ये हमारा सब्जेक्ट है, इफ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। अब हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकता क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है, ये वाली मेन वर्ब वो तो मान नहीं सकते, ठीक है। तो एक्चुअल में विल मेन वर्ब, विल का मतलब चाहना, विल का मतलब चाहना, मतलब कुछ डिसीजन लेना, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें एक चीज क्लियर हो, एक एडजेक्टिव होता है लगभग सभी उसको जानते होंगे, विलिंग, ठीक है, तो विलिंग एडजेक्टिव होता है। अच्छा, हमें पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स जो होती हैं, जब हम उनमें मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होते हैं उनको हम एज एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब कर सकते हैं नाउन्स प्रोनाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर हम विलिंग एडजेक्टिव यूज करते हैं, अ विलिंग पर्सन, तो ऑब्वियस बात है कि जो विलिंग हमने लिखा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किस में होती है, वर्ब्स में, तो इसका मतलब ये जो विल है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो इसका विलिंग नहीं बनता, हेल्पिंग वर्ब होती तो विलिंग नहीं बनता, नाउन होता तो भी नहीं बनता। तो ये जो विलिंग एडजेक्टिव यूज करते हैं उसे हम जान जाना चाहिए कि विल हमारा जो होता है वो वर्ब भी होता है, ठीक है। चलो छोड़ो, हमें नहीं पता कि विलिंग एडजेक्टिव है, नहीं है, आईएनजी फॉर्म ऐड कर रखी है, आईएनजी फॉर्म तो फिर एडजेक्टिव्स में या वर्ब्स में ही यूज होती है। अभी वर्ब्स होती हैं उन्हीं में हम आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं उनका कंटीन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए। तो ऐसे बदल गया कि विलिंग अगर हमारी वर्ब नहीं होती तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म कैसे ऐड कर पाते। तो ये जो विल है ये वर्ब है, ये जो विल है ये नाउन है, ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमने कैसे पता लगा लिया, वर्ड तो सेम है लेकिन सेम वर्ड हमने पता लगा लिया। सेम वर्ड हमने इसलिए पता लगा लिया क्योंकि हम फंक्शन के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैटेगराइज कर रहे हैं, ये नहीं कि जो हमने पहले से मान रखा है उसके बेसिस पर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखना, ही वुड ओपन हिज आईज एंड थ्रू द ओपन विंडो see the boys play in the open। अब ये जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन में जो ओपन वर्ड तीन बार यूज किया, जरा एक बार इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो। तो ओपन ओपन ओपन, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो एक बार, कमेंट करो, मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। मेन वर्ब एडजेक्टिव नाउन बढ़िया है, वर्ब एडजेक्टिव नाउन। ये कौन सी दुनिया के लोग होते हैं जब इनको बात करो खेत की तो ये खलियान की पूछते हैं, और जब खलियान की बात करूंगा तो खेत की पूछेंगे, मतलब इन्हें जो बोल रहे हो वो सुन के बाकी सारी चीजें पूछनी है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये जो ओपन है ना ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब हो गए, ठीक है। उसके बाद में थ्रू प्रीपोजिशन हो गया, विंडो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन हो गया। अब नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रोनाउन एडवर्ब तो यूज हो नहीं सकते, तो ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई भी है, जैसे हम लिखा थ्रू द विंडो, व्हाट काइंड ऑफ विंडो, ओपन, तो ओपन विंडो का डिस्क्रिप्शन है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो एडजेक्टिव हो गया। फिर आ जाते हैं सी द बॉयज प्ले वेयर, इन द पार्क, इन द ओपन। अब इन द ओपन ये वेयर का रिप्लाई, अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, तो
तो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इसमें इन हो गया प्रिपोजिशन, द ओपन हो गया इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कोई भी वर्ड अगर वर्ब का या प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन ही होगा, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। तो ये जो ओपन है ना, ये नाउन है। दूसरा, हमने इसके साथ में देखो द डिटर्मिनर भी लिख रखा है। अगर हमने ये लिख रखा है डिटर्मिनर ओपन के साथ में द, तो इसका मतलब ये नाउन ही होगा। तो ये ओपन हमारा नाउन है, ये ओपन एडजेक्टिव है, ये ओपन वर्ब है। फिर हमने एक सेंटेंस और लिखा, आई टोल्ड हिम, सॉरी आई टोल्ड दैट मैन दैट द बॉय दैट हैड हेल्प्ड हिम टोल्ड दैट टू मी। एक बार जल्दी से, ये दैट क्या है, ये दैट क्या है, ये दैट क्या है और ये दैट क्या है, कमेंट करो। तो ये सेंटेंस मैंने और लिखा है, आई टोल्ड दैट मैन दैट द बॉय दैट हैड हेल्प्ड हिम टोल्ड दैट टू मी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस में हमने चार बार दैट का यूज किया ना, एक बार मुझे जल्दी से ये बता दो कि दैट है क्या। सीक्वेंस के हिसाब से लिख दो, जो तुम्हें लगता ही है वही सीक्वेंस में अपना लिख दो फॉलो करके। कमेंट फास्ट, एक बज गया। आप देखो यहां पे, ये जो मैन है ये नाउन है, टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ में हमने दैट लिख रखा है। अब अगर हम नाउन के साथ में दैट लिख रहे हैं तो या तो एडजेक्टिव होगा या डिटरमिनर होगा, अगर इसमें डिग्रीज होती हो, ठीक है, एडवर्ब इसको डिस्क्राइब कर सकते हो तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, हमें पता है कि दैट को एडवर्ब डिस्क्राइब कर नहीं सकते, ठीक है, दैट जो है उसको एडवर्ब डिस्क्राइब कर नहीं सकते, डिग्रीज इसमें होती नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारा डिटरमिनर है। ये दैट डिटरमिनर, आई टोल्ड दैट, तो अगर इसकी डिग्री कर लेते तो हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं, ना तो इसमें डिग्रीज होती है ना एडवर्ब्स इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, तो ये डिटरमिनर हो गया। अच्छा, ये दैट कंजंक्शन हो गया जो इन दोनों पार्ट्स को जोड़ रहा है, आई टोल्ड देम मैन, द बॉय टोल्ड हैड हेल्प्ड हिम, ठीक है, तो ये हमारा कंजंक्शन हो गया जो इन दोनों को जोड़ रहा है क्लॉज को। उसके बाद में ये जो दैट हमने लिखा है ना, ये है वैसे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों ही होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो कंजंक्शन भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब्स भी इसी तरीके से होते हैं, वो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों ही होते हैं। जो दैट वर्ड है ना, ये बॉय को रेफर कर रहा है, ठीक है, और हैड हेल्प्ड हिम वर्ब का सब्जेक्ट भी है। तो ये जो हैड हेल्प्ड है हमारी वर्ब, ये दैट इसका सब्जेक्ट है, बॉय तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि बॉय जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है टोल्ड दैट टू मी का, ये टोल्ड वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट है द बॉय। तो ये द बॉय जो है वो हेड हेल्प का तो सब्जेक्ट है नहीं, हेड हेल्प का सब्जेक्ट है दैट, तो इसका मतलब दैट प्रोनाउन हुआ। अगर सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, नाउन तो है नहीं, बॉय की जगह पे यूज हो रहा तो ये प्रोनाउन हो गया। साथ ही में इन दोनों पार्ट्स को जोड़ भी रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कंजंक्शन भी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कंजंक्शन प्रोनाउन दोनों ही होते हैं। तो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन के अकॉर्डिंग कंजंक्शन भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। हम कहेंगे इसे रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन फंक्शन इसमें दोनों के हैं, कंजंक्शन के भी प्रोनाउन के भी। अच्छा, ये जो दैट है ये केवल प्रोनाउन है। ये केवल प्रोनाउन इसलिए क्योंकि ये टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, वो जो टोल्ड है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है टोल्ड, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वो जो दैट हमने लिख रखा वो ऑब्जेक्ट है। तो ये दैट डिटरमिनर है जो नाउन को डिटरमिन कर रहा है, ये दैट कंजंक्शन है दो स्टेटमेंट कनेक्ट कर रहा है,
ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों के काम कर रहा है, दो वर्ब्स को प्रेडिकेट्स को कनेक्ट भी कर रहा है और द बॉय को रिप्लेस भी कर रहा है, ठीक है। दैट ये जो हमने लिखा है ये वाला, ये प्रोनाउन है क्योंकि वो टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चलो क्वेश्चन और लिख देता हूं। द मैन इन द चेयर इन द रूम पुट ऑन हिज कोट एंड लुक्ड अबव। ये देखो यहां पे तीन वर्ड्स मैंने टिक किए हैं और ये तीनों वर्ड मतलब अलग अलग हैं, इन ऑन अबव। हमें ये बताना है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच दीज आर, इस सेंटेंस में जो इनका यूज हुआ है उसके हिसाब से इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन ऑन अबव, कमेंट आंसर्स फर्स्ट। बता रहे हैं लोग आंसर, डिटरमिनर कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बाद वाला रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बेटा। इसका आंसर बताओ इन ऑन और अबव। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन एडवर्ब, चलो खैर देखो मैं बता देता हूं। प्रीपोजिशन है, द रूम इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसको प्रीपोजिशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो रूम है ना वो इस मैन का ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। अब नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो गई, सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि मैन है, तो इसका मतलब रूम सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा ऑब्जेक्ट किसका फिर, प्रीपोजिशन का भाई, वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं प्रीपोजिशन के होते हैं। ये जो द रूम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये दोनों देखो मिलकर हमारे क्या बन गए, ये एडजेक्टिव बन गए। जैसे हमने लिखा द मैन, विच मैन, ठीक है, तो इन द रूम, तो इन द रूम जो है ना वो विच मैन है, व्हाट काइंड ऑफ मैन का रिप्लाई है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज। हमने पढ़ा ना कि प्रीपोजिशन के बाद में जब नाउन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं तो एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि मतलब हम उसको सेंटेंस में कहां पर यूज कर रहे हैं, किस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। तो इन द रूम जो है ना ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक। तो ये इन हो गया प्रीपोजिशन। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब अगर ये हिज कोट इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तब तो हम इसे कह देंगे कि ये ऑन प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगर ये ऑन हिज कोट जो फ्रेज है ये वेयर का रिप्लाई हो, ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई हो या व्हेन का रिप्लाई हो, मतलब एडवर्ब या एडजेक्टिव हो, तो भी हम इसे प्रीपोजिशन कह देंगे। अभी जो ऑन हिज कोट लिखा है ना, ना तो ये व्हाट काइंड ऑफ का या विच का रिप्लाई है, ना ये व्हेन वेयर व्हाई हाउ का रिप्लाई है, तो एक्चुअल में ये पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। और ये हिज कोट जो है वो ऑन प्रीपोजिशन का नहीं, इस पुट ऑन का ऑब्जेक्ट है पूरा। तो अगर वो पूरे पुट ऑन का ऑब्जेक्ट है तो हमने कहा कि फ्रेजल वर्ब में यूज हो रही प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो पार्टिकल्स होती हैं। तो ये जो ऑन है ना ये है पार्टिकल, तो ये इन प्रीपोजिशन है, ये ऑन पार्टिकल है, ठीक है। आगे आते हैं अबव। अच्छा अबव जो वर्ड है ये वेयर का रिप्लाई है, एंड ही लुक्ड वेयर, वेयर डिड ही लुक, कहां देखा उसने। अब वेयर का रिप्लाई है, क्योंकि वेयर का रिप्लाई है तो या तो एडवर्ब ही होगा। अच्छा इसके बाद में हमने कोई नाउन प्रोनाउन लिख नहीं रखा कि जो हम इसे प्रीपोजिशन कहें। अगर हम इसके बाद में कोई नाउन प्रोनाउन लिख दें, अबव हिज हेड, अबव द वॉल, ठीक है, अबव द फैन, तब तो ये प्रीपोजिशन जाए, अदरवाइज ये एडवर्ब है। तो ये अबव एडवर्ब है, ये ऑन पार्टिकल है, ये इन प्रिपरेशन, ठीक है। तो तुम लोगों के कमेंट्स मुझे लग रहा है सही थे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। बिफोर आई कुड आस्क हिम वेयर ही हैड सीन मी बिफोर he took two cups of tea before that last one, yeah, before that one। अब एक बार देखिए इन सेंटेंस में जो बिफोर वर्ड का हमने यूज किया ना, हमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि इस सेंटेंस में जो हमने तीन बिफोर यूज किया है
बिफोर आई कुड आस्क हिम वेयर ही हैड सीन मी बिफोर ही टुक टू कप्स ऑफ टी बिफोर दैट वन। कमेंट और आंसर्स फास्ट। अब देखो यहां पे एक चीज समझना, ये जो बिफोर वर्ड है ना, इसके बाद हमने यहां पे कॉमा लगा रखा है, मतलब वो एक नया क्लॉज है। ही टुक टू कप्स ऑफ टी बिफोर दैट वन, तो वो अलग क्लॉज है। ये जो बिफोर वर्ड है इसको अगर हम देखें तो वेन का रिप्लाई है, जैसे वेयर ही हैड सीन मी बिफोर, वेन वेन हैड सीन मी बिफोर, तो ये बिफोर वेन का रिप्लाई है। ऐसे वर्ड्स जो वेन वेयर वाई का रिप्लाई होंगे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पर हम देखें, ये जो बिफोर वर्ड है इसके बाद में हमने एक दैट वन लिख रखा है। वन जो होता है ना नाउन का रिप्लेसमेंट है, मतलब दैट वन का मतलब दैट कप, सीधे लिखी दूं दैट कप, तो वन भी लिखा रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, सब्जेक्ट लास्ट में क्या लिखा जाएगा सेंटेंस के, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब तो है नहीं बिफोर की, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये है प्रीपोजिशन, और ये मिलकर वेन का रिप्लाई हो गया। ही टुक्स टू कप ऑफ टी बिफोर वेन बिफोर दैट वन, तो ये बिफोर प्रिपरेशन है, दैट कप इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, मिलकर एडवर्ब फ्रेज बन गई वेन का रिप्लाई। अब ये बिफोर दैट कप भी वेन का रिप्लाई है, और ये जो बिफोर है ये भी वेन का रिप्लाई है, क्योंकि ये सिंगल वर्ड वेन को रिप्लाई कर रहा है तो हम इसे एडवर्ब कह देंगे। यहाँ पे फ्रेज है वेन का रिप्लाई, ठीक है, तो ये फ्रेज एडवर्ब है। अब कोई भी फ्रेज अगर एडजेक्टिव एडवर्ब है, ठीक है, तो वो प्रिपरेशन प्लस ऑब्जेक्ट होगी, तो ये प्रिपरेशन हो गया, ये इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बिफोर प्रिपरेशन है, ये बिफोर एडवर्ब है, और ये दोनों ही वेन को रिप्लाई करने के लिए लिखे गए। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, ये बिफोर प्रिपोजिशन हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा कि प्रिपोजिशंस होती हैं वो क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं कर सकती, वो केवल किसी नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं। अगर ये बिफोर प्रिपोजिशन होता तो ये जो आई प्रोनाउन है वो इसका ऑब्जेक्ट होता, और अगर ऑब्जेक्ट होता तो मी लिखा होता, लेकिन हमें पता है वो आई जो है वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इस कुड आस्क वर्ब का सब्जेक्ट है। तो अगर ये प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के तो आती नहीं है, तो अगर ये प्रिपोजिशन नहीं है दो क्लॉज कनेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कंजंक्शन है।